जीवन कक्षा 6 पाठ 8 भारत का भौतिक स्वरूप। हमारे गांव या शहर की जमीन कहीं ऊंची कहीं नीची कहीं समतल कहीं टीले आदि रूपों में दिखाई देती है। यह हमारे क्षेत्र का भौतिक स्वरूप है। इसी प्रकार हमारे देश भारत का भौतिक स्वरूप भी विविधतापूर्ण है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं हरे भरे मैदान, कहीं पठारी भूमि है तो कहीं मरुस्थलीय भूमि, कहीं तटीय मैदान है तो कहीं द्वीप समूह। इन विविधताओं के आधार पर भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय भाग, और दूसरा उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा थार का मरुस्थल, चौथा दक्षिण का पठारी भाग, पाँचवा समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। आइए इन्हें भारत के प्राकृतिक मानचित्र पर देखते हैं। उत्तर का पर्वतीय भाग। भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक और पूरब में कम है। इसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय का अर्थ है हिम प्लस आलय, अर्थात बर्फ का घर। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा जाता है। तो उससे पहले हम यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। हिमालय की उत्पत्ति। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत की जगह पर तटीय सागर था। इस विशाल सागर के उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक दो भूभाग थे। इन दोनों भूभागों में बहने वाली नदियों का पानी तटीय सागर में गिरता था। पानी के साथ बहकर आया मलवा सागर की तलहटी में परत दर परत जमा होता गया। पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण सागर की तलहटी में जमा हुआ परतदार मलवा मूड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठता गया, जिससे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ। स्वयं करके देखो। आप एक कागज लो, उसके दो किनारों को दबाते हुए पास लाते जाओ। देखो, बीच में पर्वत की तरह उभार बनता जा रहा है। इसी तरह पृथ्वी के आंतरिक दबाव के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ट्रांस हिमालय। हिमालय पार क्षेत्र। यह हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। इसमें मुख्यतः कराकोरम, लद्दाख एवं कैलाश पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं। यहाँ का सर्वोच्च पर्वत शिखर कराकोरम श्रेणी पर स्थित K2 है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8611 मीटर है। हिमाद्री श्रेणी। यह हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। इसे बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व के ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट इसी श्रृंखला में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,850 मीटर है। इस श्रृंखला पर अनेक हिमनद या जिसको कहते हैं ग्लेशियर हैं, जिनसे कई नदियां निकलती हैं। हिमाचल श्रेणी। यह हिमाद्री श्रृंखला के दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इस श्रृंखला में श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग जैसे अनेक आकर्षक एवं रमणीय पर्यटक स्थल हैं। पश्चिम में हिमाद्री और हिमाचल श्रृंखला के बीच कश्मीर की रमणीय घाटी बन गई है। यहाँ के डल झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। शिवालिक श्रेणी। यह हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इसे उप हिमालय भी कहते हैं। यह कम ऊंचाई की श्रृंखला है। इस पर घने वन पाए जाते हैं। सोचो, हिमालय पर्वत से हमें क्या क्या लाभ है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में
पश्चिम से पूर्व दिशा तक एक पहरेदार के रूप में स्थित है। यह बाह्य आक्रमण से भारत की रक्षा करता है। यह उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर हमारी जलवायु को शुष्क और ठंडी होने से बचाता है। साथ ही दक्षिणी मानसून के समय आने वाली मानसूनी हवाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर वर्षा कराने में सहायक है। विभिन्न रोगों के उपचार के लिए हिमालय पर्वत से हमें अनेक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। हिमालय पर्वत पर अनेक रमणीक स्थल हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देकर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। उत्तर का मैदानी भाग, भावर एवं तराई। हिमालय से उत्तर के मैदान की ओर आने वाली नदियां अपने साथ साथ बड़े बड़े बोल्डर, कंकड़, पत्थर एवं अन्य अवसाद बहाकर लाती हैं। नदी द्वारा शिवालिक के सहारे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में इन अवसादों का निक्षेप किया जाता है। इसे भावर कहते हैं। यहाँ नदियाँ पत्थरों एवं अन्य अवसादों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं। आगे ये नदियाँ पुनः धरातल पर दिखाई देती हैं। भावर के सहारे एक नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। इसे तराई कहते हैं। भावर एवं तराई क्षेत्र में जैव विविधता युक्त विस्तृत वन पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इस क्षेत्र में स्थित है। भावर एवं तराई का क्षेत्र आगे जाकर भारत के विशाल मैदान में मिल जाता है। हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदानी भाग स्थित है। यह विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है जो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला है। जलोढ़ मिट्टी, नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन उपजाऊ मिट्टी, इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। जलोढ़ मिट्टी को अलूवियल कहते हैं, ठीक है। हम नदी तंत्र के आधार पर इस मैदानी भाग को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदी तंत्र क्या होता है? किसी नदी और उसके सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सहायक नदी, एक नदी जो किसी मुख्य नदी में आकर मिलती है और अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसको सहायक नदी कहते हैं। मतलब जैसे गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी में कोई दूसरी नदी आके मिल रही है तो उस दूसरी नदी को क्या कहेंगे? सहायक नदी कहेंगे। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु और सहायक नदियाँ, या जिसको कहते हैं सहायक नदियों को, ट्राइब्यूटरीज, झेलम, चिनाब, सतलज, राबी, ब्यास आदि हैं। सिंधु नदी तंत्र में ये नदियाँ आती हैं। यह नदी तंत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फैला है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। गंगा नदी तंत्र की मुख्य नदियाँ नदी गंगा और सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी आदि हैं। यह नदी तंत्र उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग में फैला है। गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियाँ लोहित, दिबांग, तिस्ता आदि हैं। यह नदी तंत्र अरुणाचल प्रदेश और असम में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। सोचिए उत्तर के मैदानी भाग का भारत के लिए क्या महत्व है। यह उत्तर का मैदानी भाग, नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी से बने ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। फलस्वरूप यह कृषि एवं पशुपालन पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। भूमि के समतल होने के कारण यहाँ सड़क व रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से हुआ है। नदियों का क्षेत्र होने के कारण उनसे नहरें निकालकर सिंचाई व जल परिवहन का विकास किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसे चीन में सांगपो और बांग्लादेश में मेघना या जमुना नाम से पुकारा जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, चीन में उसको सांगपो बोलते हैं, बांग्लादेश में मेघना बोलते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से पुकारा जाता है। थार का मरुस्थल,
भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थल स्थित है, जिसे थार का मरुस्थल या भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। ये भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिणी पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैला है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। इसी कारण यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। यहाँ की मुख्य नदी लूनी है। यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की झील सांभर में नमक का उत्पादन किया जाता है। ये मरुस्थल है। दक्षिण का पठारी भाग। उत्तर के विशाल मैदान तथा तटीय भागों के बीच दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। ये पठार प्राचीन कठोर रवेदार चट्टानों से मिलकर बना है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में कई पहाड़ी श्रृंखलाएं एवं घाटियां स्थित हैं। यह पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर में विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं तथा दक्षिण में पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों से घिरा है। दक्षिण के पठार को हम कई उप विभागों में बांट सकते हैं। इनमें प्रमुख है मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार और दक्कन का पठार। मालवा का पठार, इससे पहले इधर ये भी देख लेते हैं। धरातल का वह भाग जो पर्वत से नीचे और मैदान से ऊंचा होता है तथा जिसका ऊपरी भाग सपाट हो, ढाल सामान्य तथा किनारों का ढाल तीव्र हो, पठार कहलाता है। मालवा का पठार, दक्षिण के पठार के पश्चिमी भाग में मालवा का पठार स्थित है। यह उत्तर की ओर ढालदार है और अंततः उत्तर के मैदानी भाग में मिल जाता है। यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां जैसे चंबल, बेतवा आदि का यह उद्गम स्थल इसी पठार पर है। छोटा नागपुर पठार, दक्षिण के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में छोटा नागपुर पठार स्थित है। यह क्षेत्र लोहा और कोयला जैसे खनिजों से समृद्ध है। दक्कन का पठार, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। यहाँ पर पूरब की ओर बहने वाली अनेक नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि हैं, जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं। किंतु नर्मदा और तापी नदियों का बहाव पश्चिम की ओर है और वह अपने जल का विसर्जन अरब सागर में करती हैं। पश्चिमी घाट सह्याद्री का विस्तार एक समान है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में कटा छटा है। सोचिए, भारत के पठारी भाग का क्या महत्व है। दक्षिण के पठार की प्राचीनतम शैलों में अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। तीव्र ढाल युक्त होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार में जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना सहज संभव है। इस पठार में सागौन, चंदन तथा अन्य बहुमूल्य वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के पर्वत दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर पश्चिमी तट पर वर्षा में सहायक हैं। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान सक्रिय हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पश्चिम तटीय मैदान में कोई बड़ी नदी नहीं है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी तटीय मैदान के मुख्य झीलें चिल्का, कोलेरू, पुलिकट आदि हैं। डेल्टा क्या होता है? समुद्र में मिलने से पहले धरातल के कम ढाल एवं नदी के वेग में कमी के कारण नदी का जल कई शाखाओं में बटकर बहने लगता है। यह त्रिभुजाकार भूभागीय डेल्टा कहलाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती हैं। भारत के दो द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह मूंगे कोरल से बने हैं। इस द्वीप समूह में अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप समूह के द्वीप अपेक्षाकृत बड़े हैं। सोचिए, तटीय मैदान और द्वीप समूह से क्या लाभ है। पूर्वी तटीय मैदान बहुत उपजाऊ है, जहाँ धान चावल की अच्छी उपज होती है। पश्चिम तटीय मैदान में मसाले, नारियल तथा रबड़ की खेती की जाती है। भारत के व्यापार, पर्यटन एवं सुरक्षा की दृष्टि से द्वीप समूहों का विशेष महत्व है। तो ये पार्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।